वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो सातवां अध्याय और 18वां श्लोक। तो हमने सुना था इससे पहले कि ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य फिर से प्रारंभ कर दिया, वहाँ पर करा, और सब लोग इकट्ठे हो गए, अपने आपसी मतभेदों को भूल गए और भूल के उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। और जैसे ही उन्होंने यज्ञ में आहुति डाली, सब ने मिलकर कॉपरेट कर एक दूसरे से, वहाँ पर सारे थे, शिव जी थे वहाँ पर, ब्रह्मा जी थे वहाँ पर, दक्ष फिर से थे, तो वैसे ही वहाँ पर भगवान विष्णु नारायण रूप में प्रकट हो गए। श्लोक संख्या 19। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्तया दिशा दिशा दशा मुष्णं तेजा उपानीता ताक्षणेन स्त्रोत वाजिना। भगवान नारायण स्त्रोत अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे। तो भगवान की एंट्री कैसे हुई? गरुड़ जी के ऊपर। तो भगवान अपने भक्तों को सेवा देते हैं। गरुड़ भगवान के बहुत ही प्रिय भक्त हैं, इसलिए किसी भी प्रमाणिक विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर के बाहर गरुड़ जी बैठे रहते हैं भगवान की सवारी बनकर। ऑल्दो कृष्णा डज नॉट नीड एनी व्हीकल। हाँ, ये तो एक तरह का सेवा जनरिक रॉयल, हाँ, एक भगवान का एक रॉयल ट्रीटमेंट समथिंग। विष्णु इज कमिंग, उनकी सवारी आ रही है, और ना कृष्ण इज देयर इन एवरी हार्ट। वो तो खंबे से निकल आते हैं, आप खंबे के अंदर गरुड़ जी कैसे घुसेंगे, है ना? ही कैन, वो कहीं से भी अपीयर हो जाते हैं, कहीं पर भी डिसअपियर हो जाते हैं, बट उनका एक वाहन भी है जो हर विष्णु मंदिर के बाहर गरुड़ जी को आप देख सकते हैं। तो गरुड़ जी के कंधे पर आरूढ़ थे जिसके बड़े बड़े पंख थे। गरुड़ के पंख को कोई लिमिट नहीं लगा सकता है ना? मंदरांचल पर्वत उसके ऊपर आ गया था, सारे देवता सारे असुर अपने पंखों पर ले लिए थे। सोचिए, विशाल काय, बड़े बड़े पंख हैं, और हम सुनते हैं कि जब उनके पंख हिलते हैं तो सामवेद के मंत्र का उच्चारण होता है, हरे कृष्ण की ध्वनि आती है। जैसे ही भगवान प्रकट हुए सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई, क्योंकि संसार में सारा प्रकाश तो भगवान से आता है। हम कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश ही रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग नक्षत्रों में और इस संसार में चंद्रमा के ऊपर, उसी से रोशनी है, उसी से सारी एनर्जी है। साइंस भी कहती है कि सारी एनर्जी का सोर्स जो है सन है, लेकिन इस सन को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम सुनते हैं कि वहाँ पर हाइड्रोजन्स के ब्लास्ट हो रहे हैं एवरी सेकेंड, मिली सेकेंड पर वहाँ पर अनंत ब्लास्ट हो रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए जाएँ। हाँ, वहाँ पे निरंतर उनका विस्फोट हो रहा है। सोचिए जरा, क्या ये साधारण बात लगती है सोच के? हम एक न्यूक्लियर रिएक्टर खोलते हैं संसार में, उसको मैनेज करने में इतनी मुसीबत होती है, कई बार वो उसमें लीकेज हो जाती है और सालों साल तक लोग मरते रहते हैं, है ना? कितना खतरनाक है, कितना मुश्किल काम है एक रिएक्टर बनाना, एक एक ब्लास्ट करने में सरकार की कितनी खर्चा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे असंख्य ब्लास्ट हो रहे हैं। हु इज़ मैनेजिंग दैट ब्लास्टिंग? हाँ, वो बड़ा खतरनाक काम है सोची जाए तो वो एनर्जी का सोर्स क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए। कौन वहाँ पे उस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहा है? सो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि सूर्य भगवान की एक आँख जैसा है, और संसार में एक ही सूर्य नहीं, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य भी है। अब बताइए, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि भगवान की शक्ति कितनी अनंत है, सूर्य देख, सूर्य भगवान की शक्ति के सामने कुछ नहीं है देखा जाए तो। ये तो केवल भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में तो ब्रह्म ज्योति है जिसको देखकर योगी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी में समा जाना चाहते हैं। तो संसार की सारा तेज, इसलिए भगवान कहते हैं न तत् भाष्यते सूर्य न शशांको न पावका, कि उस संसार में सूर्य नहीं है रोशनी के लिए, चंद्रमा नहीं है, ना ही अग्नि की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ भगवान के शारीरिक तेज से हमेशा चमक धमक रहती है। इसलिए जब भगवान आए तो सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई, और जब प्रकाशित हो गई तो क्या हुआ, वहां पर खड़े हुए जो लोग थे, जो अभी तक बड़े दिव्य लग रहे थे, उनके चेहरे में चमक लग रही थी, उनकी चमक फीली पड़ गई, जैसे कि जुगनू सूर्य की रोशनी में गायब हो जाता है। गायब नहीं होता है, दिखना ही बंद हो जाता है, उसकी रोशनी कुछ है ही नहीं। रात को देखिए जुगनू क्या चमकता है जबरदस्त, अगर आपने देखा है तो, बढ़िया सी लाइट चमकती है, लाइट बॉम। और दिन की रोशनी में वो गायब है। उसी तरह से ब्रह्मा जैसे लोगों की, जनों की कांति घट गई जब भगवान वहां पर उपस्थित हुए तो। श्यामा, अब भगवान के बारे में बता रहे हैं कैसा भगवान का रूप था, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भगवान इज अ पर्सन। श्यामा हिरण्य रशन
अर्क किरीट जुष्टौ नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य शंखाब्ज चक्र शर चाप गदासी चर्म व्यग्रे हिरण्मय भुजई एव कर्णिकार। उनका स्वर्ण श्याम था। तो उनके वर्ण के बारे में संसार में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं कि जैसे नए नए बादल मानसून के क्लाउड जब आते हैं, हाँ, जिनके अंदर पानी होता है वो ब्लैकिश एंड ग्रेश, ब्लूइश एंड ग्रेश जो बादल बनते हैं, कुछ कुछ ऐसा भगवान का कलर के बारे में चर्चा आती है। उनका वर्ण श्याम था, उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले थे, नॉर्मल पीले नहीं थे, हम तो मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, सिल्की सिल्की येलो, चमकते हुए पीले थे और स्वर्ण की तरह पीले थे। और मुकुट सूर्य के समान दीप्यमान था, ऐसा लग रहा था कि मुकुट के अंदर लाइटिंग लगी नहीं है। उनके बाल भौरों के समान काले थे, और कैसे बाल हैं भगवान के, घुंघराले हैं। और मुख कुंडलों से आभूषित था, मुख में कुंडले थे, कुंडल थे। उनकी आठ भुजाएं हैं, वो अष्ट भुजाओं के साथ आए थे। अब भगवान की भुजाएं, कभी भगवान षडभुज गौर बन जाते हैं, षड षडभुज दिखा देते हैं, कभी चतुर दिखाते हैं, यहाँ पर अष्ट दिखाया है। भगवान के हजारों हजारों हाथ हैं वास्तव में। भगवद गीता में अर्जुन इस बात को कन्फर्म करता है कि भगवान आपके हजारों मुख को देख रहा हूँ, आपके हजारों हाथों को देख रहा हूँ। तो हम सुनते हैं कि हजार इज अ रिप्रेजेंटेशन दैट देर आर मैनी, इट डज नॉट मीन कि उनके केवल हजार ही हाथ हैं, ही हैज अनलिमिटेड आर्म्स। हाँ, बट उनका जो ओरिजिनल श्याम रूप है उसमें केवल दो हाथ हैं जिससे वो बांसुरी बजाते हैं। तो इस प्रकार उनका चतुर्भुज रूप भी है जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, इसलिए अलग अलग तरीके से भगवान अलग अलग रूपों को धारण करते हैं। बट दैट ओरिजिनल रूप, दैट ओरिजिनल कैंडल जिसे बाकी मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं, वो है श्याम सुंदर जिसके दो हाथ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो आठ भुजाओं के साथ आए थे, इसमें शंख चक्र गदा कमल बाण धनुष ढाल और तलवार, ये उन्होंने लिया था। ये कंगन तथा बिजावर जैसे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत था। अलग अलग जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कई सारे कंगन एंड हाँ इस तरह की ज्वेलरी यहाँ पर लगी थी। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हों। इस प्रकार से उनका शारीरिक एक एक अंग को देखा जा सकता है भगवान। इसलिए भगवान का जब दर्शन करते हैं तो चरणों से ऊपर उठते हुए उनके पैर, उनके पिंडलियाँ, उनकी जांग, उन जंगा, उनके पैर में नाभि, उनका वक्षस्थल, उनका गला, उनका मुखमंडल, हाँ, और उनकी मुस्कान, इस प्रकार से भगवान का दर्शन होता है। एक एक अंग जो है वो वास्तव में सारी आसक्तियों को ख़त्म कर देने वाला है संसारिक। हाँ, इस प्रकार से उनका सुंदर रूप, और ये सुंदर रूप कहाँ खड़ा था, उस यज्ञ स्थल में बैठे हुए सब लोगों ने उस सुंदर रूप के दर्शन किए। और ये वास्तविकता है। भक्ति डज नॉट मीन कि आदमी जटिल हो जाए और किसी चीज़ को माने ना, कोई रूप कोई नहीं है, तो सांसारिक वस्तु हैं, तुम रूप हमें गिरा देगा, माया में फंसा देगा। ये जो सांसारिक रूप है, क्योंकि ये संसार उस आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, इसलिए यहाँ पर हर चीज़ जो उपस्थित है वो आध्यात्मिक जगत में भी है। यहाँ पर रूप है वहाँ पर भी रूप है, यहाँ परिवार है वहाँ भी परिवार है। इस प्रकार, लेकिन वहाँ पर वो प्योर फॉर्म में है, यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन है, उल्टा है उसका। तो रूप भगवान का भी है, हमारा रूप टेम्परेरी है। भगवान नव यौवन बने रहते हैं, हमेशा यौवन में ही रहते हैं वो, यही उनका इंटरनल स्वरूप क्या है भगवान का, यौवन का। बाल रूप में वो लीला करते हैं लेकिन यौवन उनका इंटरनल रूप है। वक्षसी अधिक्षितावधु वनमाली उदार हास अवलोक कलया रमयन चा विश्वम पार्श्वाभ्रमत व्यजन चामर राजहंस श्वेत आतपत्र शशिनाऊ परी रज्यमान। भगवान विष्णु असाधारण रूप से सुंदर लग रहे थे क्योंकि उनके वक्षस्थल पर ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी तथा एक हार विराजमान थे। ऐश्वर्य की देवी जिसको हर कोई प्राप्त करना चाहता है। हाँ, लेकिन पता नहीं ये कौन से ज़माने में ऐसा हुआ कि लक्ष्मी जी को गणेश जी के साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि आदमी किसी भी तरह से जोड़ा जाड़ी करने को रेडी है। हाँ, गणेश जी से भी कुछ फ़ायदा होता है, लक्ष्मी जी भी कुछ फ़ायदा होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, इनकी पूजा कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है नहीं है,
अब गणेश जी पार्वती के साथ ज़्यादा ठीक लगते हैं, हाँ शिव जी के साथ साथ लगते हैं, कहीं से भी किसी को जोड़ दो, हाँ जैसे कि हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं, देखते हैं किस किस से फायदा है मुझे, इसको बुला लेते हैं, इसको बुला लेते हैं, इसको बुला लेते हैं, आपस में चाहे वो दोनों उनका बैर हो, हाँ माना, तो यू हैव टू सी द प्रैक्टिकलिटी। एक माता को, हाँ एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब लक्ष्मी जी के साथ में उनके हस्बैंड तो नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं उनकी, ये कई बार हम क्वेश्चन करते हैं कौन सी ऐसा स्थिति थी कि जब गणेश जी को उनके साथ जोड़ दिया गया। यहाँ पर लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के वक्ष स्थल पर विराजमान रहती हैं, वो छोड़ती नहीं है उस जगह को। हाँ एक तो लक्ष्मी जी को आप देखोगे भगवान के चरण दबाते हुए, नहीं तो श्रीवत्स के रूप में लक्ष्मी जी सदा भगवान के वक्ष स्थल में वास करती हैं, ये पैरों को नहीं छोड़ती हैं। हाँ सो शी इज़ ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। बिना कृष्ण के, बिना नारायण के लक्ष्मी कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकती है। हाँ जैसे सीता थी, जब सीता बिना राम के लंका में रही तो लंका का सर्वनाश हो गया। इस तरह से सोचिए उन व्यक्तियों के पास जिनके पास धन है लेकिन भक्ति नहीं है, वो धन उनका एक दिन सर्वनाश कर देगा, जैसे सीता के कारण रावण का सर्वनाश हो गया। तो इस प्रकार से उनके लक्ष्मी जी थी, और एक हार भी उनके वक्षस्थल पर था जिसको कौस्तुभ भी कहते हैं, मणि के साथ। उनका मुख मंदहास के कारण अत्यंत सुशोभित था, मुस्कुराहट थी, स्माइल थी उनके चेहरे पर, हाँ वो हमेशा स्माइल करते हैं। अब आप कहोगे मेरे घर में ट्रेजेडी है और भगवान हंस रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, क्या करें, वो कभी उनको उदास करा ही नहीं जा सकता क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थित रहते हैं। हम थोड़ी समय के लिए अज्ञानता में आ जाते हैं और हमें लगता है कि मृत्यु हो गई, लॉस हो गया, पैसा चला गया, व्हाटएवर, लेकिन भगवान हमेशा पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे उतार चढ़ाव, हाँ वो मुस्कुराहट का या आता है। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे जैसे कि वो हमेशा ही मुस्कुराते हैं, और बड़ा चेहरा उनका बड़ा सुशोभित हो रहा था, सारे जगत को और विशेष रूप से भक्तों के मन को मोहने वाला था। भक्त इस भगवान के हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को ही देखना, यही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। भगवान के दोनों ओर श्वेत चावर डुला रहे थे, हाँ दोनों ओर श्वेत चावर डुलाए जा रहे थे, मानो श्वेत हंस हो, और हंस गर्दन को ऐसे करता ना ऐसे, इस प्रकार से चावर ऐसे ऊपर नीचे हो रहे थे सफेद कलर के। हाँ और उसके ऊपर तना हुआ श्वेत छत्र था, ऐसे छत्र ऊपर श्वेत, जो चंद्रमा के समान लग रहा था कि जैसे ऊपर से चंद्रमा आ गया हो, इस प्रकार बड़ा ही सुंदर रूप यानी कि वहां पर देखने को मिला उस ये उस यज्ञ स्थल के वहां पर। इस तरह से उनको देखने से ही यज्ञ का फल मिल गया और हमको सुनने से मिल गया बिना करे। तम उपागतम आलक्ष्य सर्वे सुर गणयादय प्रणेमु सहसा उत्थाय ब्रह्म इंद्र त्यक्ष नायक। जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा शिव गंधर्व और वहां उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिर कर दंडवत सादर प्रणाम किया। दैट इज वट वी शुड बी डूइंग, जब भगवान के दर्शन हो तो क्या करें, दंडवत प्रणाम करें। दंडा ऐसा होता है ना, ऐसे जूं थाड़ से नीचे, थाड़ से गिर नहीं पाएंगे, आराम से गिर जाइए, लेकिन गिर जरूर जाइए भगवान के सामने, नतमस्तक होना, शरणागति होना ये जरूरी है, इससे हमारे अहंकार भी समाप्त होता है। भगवान आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई मे बी अ बिग पर्सन इन माई लाइफ, बट आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं आपके सामने धूल के जैसा हूँ, ये देखिए गिर के दिखाता हूँ। और जमीन पे लेट गए, नाक फर्श पे टच कर रही है, सर अष्टांग प्रणाम कहते हैं इसको, आठ अंगों से आई थिंक जो भी है, चेस्ट है, घुटना है, नीचे का पैर है, इस आठ अंग जमीन पे टच करते हैं हमारे, पूरा लेट कर। तो ऐसे कौन लेट गए, ब्रह्मा शिव गंधर्व लेटे। कई बार हम मजाक भी करते हैं कि ब्रह्मा जी को सारे सर लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कुछ सर पीछे है, एक सर इधर है, तो उनको पलटी पलटी मार के दंडवत करना पड़ता है। सोचिए क्या चल रहा होगा, गाड़ा गड़ी पलटियाँ मार रहे हैं ब्रह्मा जी प्रणाम करने के लिए, ऐसा वहाँ पर माहौल हो गया। कई बार भक्त लोग भी प्रणाम करते हैं सड़क में, लोग घबरा, एक बार हमने एयरपोर्ट में भक्त लोग इतना प्रणाम किया, वो एकदम से पुलिस वाला घबरा गया, क्या कुछ, हाँ होता है ना कि बम बम गिरता है तो लोग जमीन पे लेट जाते हैं, तो जमीन पे लेट गए एक साथ 20-25 लोग, तो वहाँ गन मैन एकदम से, सड़कों भी लोग परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया किसी क्या हो गया, कई बार किसी बोला इस माथा को क्या हो, गिर गिर गई, गिर गई। तो ये भक्तों का नेचर है कि वो जमीन पे गिरते हैं, अपने आप को साधारण बनाते हैं, लेकिन वो संसार के सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं, हाँ जो इस प्रकार नीचे गिरने को तैयार रहते हैं।
तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के भी, हाँ अभी तक हमने सुना यहाँ पर स्तुतियों में ब्रह्मा जी शिव जी को बहुत कुछ बोल रहे थे, आप ही तो हैं, आप ही परमेश्वर हैं, और यहाँ पर शिव जी एकदम से दंडवत हो गए। तो ये बात को प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि इसके पूर्व ब्रह्मा जी अपनी स्थितियों में, स्तुतियों में शिव जी को ईश्वर कह रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर सामने आ गया तो ईश्वर भी लेट गया। दैट इज द ग्लोरी, ये ग्लोरी है, ये उसका डिफेमेशन नहीं है, ये शिव जी की पोजीशन को नीचे नहीं करा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये वही शिव जी हैं जो इज अ कंट्रोलर ऑफ तमोगुण, इज अ जबरदस्त पावरफुल पर्सन, एक बाल से क्या क्या कर दिया उन्होंने, अब वो उनके हृदय इतना कोमल है भगवान के प्रेम में कि वो भगवान को देखते ही वहाँ पर लेट गए। यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, एक स्तुति में कहा गया, या ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता, सभी देवता भगवान की पूजा करते हैं, और बोला गया ध्यानावस्थितद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना, योगी जन विष्णु के रूप में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस प्रकार बोला गया, क्या बोला गया, तवम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, कि जो सूर्य हैं वो हमेशा क्या करते हैं, सदा पश्यन्ति किसको देखते हैं, ओम तद विष्णु परमम पदम, उस विष्णु के पद्म को, पर कमल, कर कमल को, या सॉरी चरणों को, कमल रूपी चरणों को हमेशा उसका क्या कहते हैं, सदा पश्यन्ति सूर्य, उनका फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान के चरणों में, जो कि यहाँ पर सर्वविदित हो जाता है कि सारे शिव ब्रह्मा गंधर्व सभी लोग सीधे गिर कर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और भगवान के आगे इस प्रकार नतमस्तक हो जाते हैं। तो आइए हम भी अपने जीवन को ऐसे ही भगवान के चरणों में गिरा दें। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।